तो गाइज आज फिर से आ चुका हूँ मैं उत्तराखंड के एक और डीप फॉरेस्ट में। तो यहाँ पास सोलो कैंपिंग होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी लोकेशन मिला नहीं। तो अभी के लिए मैं लोकेशन सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वही जंगली जानवर की हड्डी वगैरह भी मिल रही है। तो जल्दी से लोकेशन सर्च करता हूँ और फिर आपसे। गाइज आज लोकेशन ही नहीं मिल रहा है टेंट को पिच करने के लिए, और यहाँ पर भी ये सिलेक्ट कर रहा था, यहाँ पर भी पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, हो सकता मैं यहीं पे टेंट को पिच करूँगा आज, और आज की नाइट कैंपिंग यहीं पे करूँगा। तो अभी के लिए सामानों की अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर टेंट को निकालता हूँ। तो गाइज अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सामान तो मैंने टेंट के अंदर सारा सेट कर दिए। तो अभी तक अपने पास लकड़ियाँ नहीं है, तो यहाँ पे भाई कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। इधर हो सकता है, इधर कुछ हो सकता है आसपास, इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इधर मुझे जंगली जानवर वगैरह की हड्डियाँ भी दिखी थी, इसलिए मुझे सबसे पहले लकड़ियाँ लेने निकलना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा पूरा हो चुका है। तो सामान पूरा अपना टेंट के अंदर सेट हो गया। हाथ पे कांटा चुभ गया और ये देखो इस ब्लड निकल गया, कोई बात नहीं चलेगा। तो गाइस लकड़ियाँ भी लेकर आ गया, और आज पता नहीं भाई हर गांव में ना, जितने भी गांव आसपास दिख रहे हैं ना, हर जगह कुत्ते भौंक रहे भाई, पता नहीं क्यों। और अभी के लिए मेरा टेंट के अंदर अभी तक लाइट जलाई नहीं, तो लाइट जलाता हूँ टेंट के अंदर मस्त। तो गाइस
टेंट लैंप भी मैंने सेट कर दिया और जूतों को उतारता हूँ और इसके बाद बनाता हूँ कुछ बढ़िया सा। कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहा है, पता नहीं क्या सीन है। तो गाइज अभी के लिए मैं आग जला रहा हूँ। तो आग जलाने के लिए हमारे इधर लोग ज़्यादातर रिंगाल का प्रयोग करते हैं। जब रिंगाल सूख जाती है ना तो जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो मैंने भी वही यूज़ करा है अभी। तो आग तो एकदम से पकड़ लिया इसने और थोड़ी देर और अच्छे से जलने देता हूँ, फिर इसमें लकड़ियाँ फील कर दूँगा। तो गाइज लकड़ियाँ मैंने चूल्हे में फील कर दी, तो मस्त आग अपनी जल चुकी है। तो यार ये कुत्ते भौंक रहे ना, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रही है क्योंकि आज सोलो है। तो अभी के लिए मैं अपना बॉन फायर तो यहाँ पे जलता रहेगा, तो मैं टेंट के अंदर चलता हूँ और टेंट के अंदर बैठ के मस्त सा कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आग तो मस्त जल गई है। तो गाइज बाहर पर अपना बॉन फायर तो जल ही रहा है, तो मैं करता हूँ चाय बनाने की तैयारी। तो गाइज ये रहा अपना स्टोव, तो अब चाय बनाते हैं बढ़िया सा। ठंडा भी बहुत तेज़ हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हवा भी चल रही है हल्की हल्की। अभी के लिए सबसे पहले इसको जलाता हूँ और चाय को रेडी करता हूँ। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा चल रही है हल्की हल्की और यहाँ पर बहुत सारे गांव दिख रहे हैं, तो सुबह व्यू नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। तो गाइस चाय मस्त से उबल चुकी है, तो मैं इसमें दूध फील कर रहा, तो दूध फील करने के बाद चाय मस्त से रेडी हो जाएगी। और आज कुत्ते भाई बहुत तेज़ तेज़ भौंक रहे हैं और बाहर अपना बॉन फायर तो जल ही रहा है। तो देखते हैं कितनी देर बाद दूध डालने के बाद चाय उबलती है। यहाँ पर पूरा ग्रीन ग्रीन है ना, मस्त लग रही है, काफ़ी प्यारा लोकेशन है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली चाय भी अपनी उबल चुकी है और अब चाय का मज़ा लेते हैं मस्त सा और इसको रखते हैं भाई साइड पे। तो गाइस ये रहा अपना कफ, तो इसमें मस्त सा चाय का मज़ा लेते हैं। तो गाइस अब चाय का मज़ा लेते हैं। आज मून जो है ना भाई बहुत तेज तेज से भाग रहा है भाई, हवा हो रही है तो हवा की वजह से। मस्त बन रखी हुई चाय एक नंबर। इस पे सोल्जर लिखा है इसलिए मैं इसको लेकर आया था। तो गाइस चाय अपनी फिनिश हो चुकी है, अब बनाते हुए मस्त से डिनर। और डिनर के लिए आप बहुत सारे सामान मैं लेकर आया हूँ, ये आप चेक करो भाई। इसका नाम तो मुझे पता नहीं, भाई ने बताया था लेकिन मुझे
इसका यूज़ करना आता है, तो ये अपना स्पेशल चीज़ है, इसी को बनाने वाला आज। चलो करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और फिर बनाते हैं भाई। तो गाइज ये है मैगी और ये चिकन मसाला और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बहुत सारे लोग तो ये मसाले देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो सॉस की बोतल मुझे छोटी मिली नहीं, तो मैं पूरा बड़ा ही लेके आ गया। बनाते हुए मस्त डिनर और फिर डिनर करके प्यारी से नींद लेंगे। और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा बहुत डर भी लग रही है, 9 बज चुके हैं रात के। तो बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को खाते नहीं होंगे भाई, वो लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैरिनेट करूँगा। आज मैं छोटे छोटे पीस करके भी लाया हूँ। तो ये चेक करो गाइस, मैंने मस्त मस्त पीस में इसको काट दिया है। तब इसके लिए भाई मैं लेकर आया कॉर्न फ्लोर। तो इससे जो है ना, अगर आप चिकन पकौड़ी या कुछ भी बनाओगे ना, तो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो मैं भी आज कुछ इस तरह का बनाने वाला हूँ। इसको ज़्यादा नहीं, हल्का सा डालना चाहिए। तो इसमें मैं मसाले वगैरह सब कुछ फील कर देता हूँ, फिर चिकन को भी इसमें फील कर दूँगा। ये गाइस अपना चिकन मसाला। तो मैं सोच रहा हूँ चिकन पहले डाल देता हूँ इसमें, फिर इसको मैरिनेट करूँगा भाई बढ़िया करके, मसाला ऊपर से फील करता हूँ। तो गाइस जीरा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी करते हैं इसमें फील। अभी होममेड मसाला भी फील करूँगा थोड़ा सा। तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन मसाला तो फील कर दिया, और अब करते हैं भाई इसमें होममेड मसाला। तो ये रहा गाइस, ये अपना होममेड मसाला है। ये सब फील करने के बाद आपको चेक कराऊंगा किस तरह का ये लग रहा है। नमक, हल्का सा मिर्ची पाउडर और हल्का सा धनिया पाउडर और हल्दी थोड़ी सी। भाई जी आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें सब कुछ फील कर दिया। तो गाइस मैंने इस बॉक्स में इसको फील करा था, तो मैरिनेट ये इसमें हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये छोटा हो गया, इसमें जगह नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा इसी में इसको मैरिनेट करूँगा। ये आप चेक करो, नीचे बिल्कुल भी मसाला नहीं गया, तो ये मैरिनेट हो नहीं पा रहा है। अभी के लिए मैं सोच रहा इसी में इसको मस्त मैरिनेट करेंगे। तो गाइस मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल बाद में डाला क्योंकि मैं भूल गया था। तो अभी के लिए इसको मैरिनेट तो मैंने अच्छे से कर दिया, लेकिन थोड़ा देर मैरिनेट होने में इसको टाइम लगेगा। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ और सीधे आधे घंटे बाद इसको देखूँगा। तो आधे घंटे बाद ये मस्त सा मैरिनेट हो जाएगा, जो मसाला है इसमें मस्त सा मिल जाएगा। तो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड। तो गाइस अब करते हैं प्याज टमाटर की कटिंग। तो इसके बाद मैगी भी रेडी करना है। अभी अंधेरा पूरा हो गया है। तो भाई प्याज की कटिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसको करता हूँ साइड और इसके बाद करता हूँ भाई टमाटर की कटिंग। तो भाई टमाटर की भी अपनी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है, तो प्याज टमाटर दोनों हो चुका है डन। तो अब बनाते हैं यहाँ पे मस्त सी मैगी। तो थोड़ा फ्राई वाला मैगी बनाता आज।
गाइस ऑयल अपना गर्म हो चुका है, तो इसमें करता हूँ प्याज को फील। तो गाइस प्याज अपना अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें टमाटर को फील करता हूँ। तो गाइस अब इसमें करता हूँ नमक मसाला वगैरह फील कर देता हूँ, क्योंकि प्याज टमाटर तो अच्छे से रेडी हो चुका है। मैगी मसाला डालना मैं भूल गया था, तो मैगी मसाला के बिना तो भाई मैगी में टेस्ट ही नहीं आता है, तो जल्दी से मैगी मसाला को भी फील करते हैं। थोड़ी देर मसाला को अच्छे से रेडी होने देता हूँ, फिर इसमें मैगी फील कर दूँगा, तो देखते हैं कितनी देर बाद ये मसाला रेडी होता है। तो गाइस फाइनली मसाला अपना रेडी हो चुका है, अब इसमें मैगी को करता हूँ फिल। अब इसको थोड़ा सा मसाला में मैरिनेट करता हूँ मैगी को, फिर भाई मैगी के पकने का वेट करते हैं। मैगी तो वैसे 2 मिनट में रेडी होता है, लेकिन यहाँ देखते हैं भाई कितने मिनट में रेडी होता है। तो हल्का सा पानी और फिल कर देते हैं और फिर वेट करते हैं मैगी का, कब तक ये रेडी होता है। तो गाइस फाइनली मैगी हो चुकी है मस्त से रेडी, काफ़ी यम्मी बना है भाई, ये आप चेक करो, बिल्कुल भाई काफ़ी यम्मी मैगी बनी है ये। तो इसको रखते हैं साइड और अब करते हैं भाई चिकन बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले रखना पड़ेगा भाई कढ़ाई, तो कढ़ाई को करते हैं गरम। तो गाइस फाइनली हो चुकी है कढ़ाई भाई बहुत तेज़ गरम, और इसमें आप करते हैं ऑयल फिल, ऑयल भी 2 मिनट में गर्म हो जाएगा भाई। तो गाइस फाइनली ऑयल अपना गर्म हो चुका है, तो इसमें आप चिकन को करते हैं फील और मस्त चिकन पकौड़ा बनाते हैं भाई। तो तेल तो हो चुका है गर्म, गाइस अब चिकन को कर रहा मैं कढ़ाई में फील, तेल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो पूरा एक साथ डाल दूंगा तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मैंने तेल ज़्यादा फील कर रखा है इसमें। तो 2 पीस रहने देता हूँ, 2 पीस लास्ट में डालूँगा क्योंकि जगह नहीं हो पाएगा। तो गाइस कुछ कुछ पीस ना रेडी हो चुके हैं जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था, तो उनको मैं निकाल देता हूँ नहीं तो वो जल जाएंगे। तो ये चेक करो भाई काफ़ी मस्त बन गया और अच्छे से पक भी गया है, तो इनको मैं साइड कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली ये वाले पीस भी रेडी हो चुके हैं, तो इनको भी मैं निकाल देता हूँ। तो ये सारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी इनको निकालता हूँ भाई नहीं तो ये जल जाएंगे। तेल इतना गर्म हो रखा ना, तेल एक बार के लिए मुँह पर पड़ गया ना भाई, मुँह का पूरा नक्शा बदल जाएगा। आप चेक करो भाई ऑलमोस्ट सारे पीस मैंने निकाल दिए। तो गाइस ये दूसरी बरी का भी मैंने डाल दिया, क्योंकि 2-3 पीस ये बच रखे थे, तो थोड़ी देर इनको पकने देता हूँ अब। तो गाइस फाइनली ये चेक करो, ये थोड़ा जल गया है भाई, इसकी साइड में भूल गया मैं फ़ोन पे इंस्टाग्राम चलाने पर लग गया था और थोड़ा बहुत स्टोरी डाल रहा था, तो मैं भाई निकालना भूल गया। ये देखो हल्का सा ब्लैक हो गया, ये तो थोड़ा क्रंची होगा ये भाई। तो चलते हैं इसके बाद टेंट के अंदर, सबसे पहले इसको साइड करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अभी के लिए सबसे पहले ब्यूटेन गैस को करते हैं बंद और इसको रखना पड़ेगा साइड में। अगर ये थोड़ा सा भी गिर गया ना भाई कहीं पर भी वाट लग जाएगी मेरी कसम से। ये आप चेक करो भाई मैंने इसको रख दिया साइड पर, और इसको ले जाता हूँ भाई टेंट के अंदर, फिर करते हैं यहाँ पर मस्त सा डिनर। आज डिनर करने का मज़ा भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आने वाला है, और ये मैगी भी अपने पास है और मैगी के साथ पकौड़ी भाई। अब आ रहा थोड़ा मज़ा, मैगी के साथ में इसको खाने का मज़ा बिल्कुल अलग लेवल का है भाई।
काफी टेस्टी हो रहा गाइस। अभी के लिए मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ, फिर आपसे बातें करूँगा। तो गाइस फाइनली अभी रात के बज चुके हैं, ये आप चेक करो 10:10 हो गया। तो अब सोने की तैयारी है, डिनर मेरा हो गया। तो ये 3 पिज़्ज़ा ये मैं खा नहीं पाया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो अभी के लिए मैं इसको साइड पर रख देता हूँ और मॉर्निंग में इसको, यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे भौंक रहे इधर, तो कुत्तों को दे दूँगा। अभी के लिए सो जाता हूँ और टेंट को लॉक करता हूँ अच्छे से। टेंट मैंने यहाँ से बांध रखा है। तो रात के 10 बज चुके हैं और इसके बाद टेंट को करता हूँ बढ़िया करके लॉक। तो गाइज अभी के लिए ना डिनर अपना हो गया और अभी मैं टेंट के अंदर आ गया। तो डिनर मस्त हो गया, तो टेंट मैंने अच्छे से लॉक कर दिया पूरा। तो सामान मैंने भाई सारे इधर शिफ्ट कर रखे जितने भी सामान थे। तो अभी के लिए मस्त नींद लेते हैं और इसके बाद आपको सीधे मॉर्निंग में मिलूंगा। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय एंड। लेपर्ड कुत्ते भौंक रहे, टेंट खींच रहा है। ये आप चेक करो गाइस, टेंट खींच रहा है ये। भाई गाइस अब क्या होगा, हाथ मेरे पास कुछ भी नहीं है बचाव के लिए। मैं इधर स्टैंड के पीछे गाइस, बचने के लिए कुछ भी नहीं है आज सामान मेरे पास। ये क्या हो गया, कसम मेरे पास कुछ भी नहीं आज बचने के लिए कसम से। रात के गाइस 2 बज गए और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। भाई जब मैं स्टार्टिंग में इधर आया था उस टाइम पर हड्डी वगैरह दिख गई थी मुझे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इधर भाई ऐसा कुछ होगा। आवाज भी आ रही है आप सुन लो गाइस, भाई ठीक मेरे टेंट के पीछे है ये। कुत्ते इतने जोर जोर से भौंक रहे हैं कसम से, आज बचा लो ऊपर वाले। गुड मॉर्निंग गाइज, एक और प्यारे दिन की शुरुआत हो गई है और मौसम काफी बढ़िया बन रखा है। कल रात के यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई और भाई लेपर्ड ने इतना परेशान करा ना कसम से, मेरे तो अच्छे से फट गई थी और पूरी रात भर सो नहीं पाया। और सुबह 4 बजे थोड़ा सा आँख लगी और अभी फिर से नींद खुल गई है क्योंकि डर भी लग रही थी। और अभी 5:27 हो गया और रात को बारिश बहुत तकड़ी और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। भाई पूरी रात भर सो नहीं पाया, मैं एक कोने पर ऐसा बैठ रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करा लेपर्ड ने यहाँ पे। अभी के लिए मौसम काफ़ी सही बन रखा है और बाहर का व्यू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा आज। पूरे टेंट में ड्रॉप्स हो रखा है, ये आप चेक कर लो, पूरा ड्रॉप्स हो रखा है क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी लगी रात को और हवा भी चली। तो अभी के लिए टेंट के बाहर चलता हूँ और फिर टेंट सामान सामान पैक करके फिर यहाँ से निकलते हैं। मस्त मस्त आवाज़ आ रही है अभी पक्षियों की और कल रात को जो आवाज़ आई ना कसम से मेरे तो बहुत ज़्यादा फट गई थी कसम से। और ऊपर से मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई बचाव के लिए, और वही मेरे पास हथियार वगैरह रहते हैं इस बात कुछ भी नहीं था, मैं सब कुछ लाना भूल गया था। तो भाई सनराइज़ भी हो गया, तो सनराइज़ का व्यू थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा क्योंकि मौसम थोड़ा बादल वाला बन रखा। तो अभी के लिए मैं सामानों को जल्दी से बैग में शिफ्ट करता हूँ और फिर टेंट फोल्ड करके फिर निकलते हैं यहाँ से।
तो गाइज मैंने सारे सामान बैग में शिफ्ट कर दिया, तो कुछ सामान अभी टेंट के बाहर पर आ रखा, स्लीपिंग बैग वगैरह, इनको मैं बैग में शिफ्ट कर रहा। गाइस ये रहा अपना 2% टेंट, ये मैंने पैक कर दिया, तो अब इसको बैग में करता हूँ मैं शिफ्ट। तो गाइस ये रहा अपना टेंट, तो टेंट मैंने बैग में अच्छे से पैक कर दिया, अब इस टूल को डालता हूँ बैग में। यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा वगैरह रह रखा है, तो ये सब यहाँ पे साफ करके जाएंगे हम, क्योंकि जहाँ पे रहता है ना कूड़ा वगैरह, भाई फैलाना नहीं चाहिए। तो बैग के जेब में डालेंगे इसको, और जहाँ पे कूड़ादान मिलेगा तो कूड़ादान में डाल देंगे। तो गाइज ये चेक करो, यहाँ पे भाई बहुत सारे जंगली जानवरों की हड्डियाँ पड़ी है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा ये हड्डी पड़ा है जंगली जानवर का, तो हो सकता है यहाँ पे लेपर्ड भाई हमेशा आता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हड्डियाँ पड़ी है, तो मुझे तो पता नहीं था, तो कल रात को लेपर्ड ने यहाँ पे बहुत परेशान करा। तो अभी के लिए मैं यहाँ से घर के लिए निकल रहा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसका नेक्स्ट नाइट कैंपिंग ब्लॉग में, तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।